सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। सफल करो सेवा जय गणेश देवा, नाथ जति पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो संहसुतवारी, दीनन की लाज रखो संहसुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, प्रेम कृपा दया सर्वांगे सुंदर। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान स्वर्णे मात्रे में, लंबोदर पीतांबर हरिवर वंदना, सर्व सुंद वक्र पिंड त्रिनयना, संकष्टि पावावे निर्वाणी लक्षणा, हिरे दंत मुकट शोभ तो पूर चरणी घागरिया, जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान सरे मात्रे मा, भवम भवानी शीतम नमामी, मंदार माला कृतालिका बाल माला शिवशंकरा, दिगंबरायों दिगंबरायों नमः शिवायों नमः शिवायों, यानि कानि पापानि जन्मांतरतानि। नमस्कार, बाप्पा मोरया उत्सव या विशेष कार्यक्रमात आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। VKB न्यूज बाप्पा मोरया उत्सव हा विशेष कार्यक्रम या गणपती उत्सवात चालवत आहे, ज्यात तुम्हाला नागपुरातील वेगवेगळ्या भागातील विशेष गणपतीचं दर्शन या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आपल्यासाठी घेऊन येणार आहे, केल्या जाणार आहे। तर आज आपण आलेलो आहे धरमपेठ सार्वजनिक मंडळ येथे। आपण बघू शकता की अगदी नक्षीकाम केलेल्या गाभाऱ्यात जे आहे हे विशेष जे आहे इथे बाप्पाचं आगमन केलेलं आहे, प्रतिष्ठापना जी आहे इथे केलेली आहे, आणि अगदी वेगळा असा जो बाप्पा आहे या धरमपेठ सार्वजनिक मंडळामध्ये जे आहे वेगळ्या बाप्पाची जी आहे प्राण प्रतिष्ठा केलेली आहे। VKB न्यूजच्या माध्यमातून आपण या बाप्पा मोरया उत्सव या विशेष कार्यक्रमात असेच वेगवेगळे जे बाप्पा आहे वेगवेगळे जे मूर्ती आहे ते आपण दाखवणार आहोत। आज आपल्यासोबत जे आहे धरमपेठ येथील सार्वजनिक मंडळाचे जे आहे अध्यक्ष आपल्यासोबत आहे, आणि माजी नगरसेवक सुनील हिरणवार जे आहे ते आपल्यासोबत आहे। सर, काय सांगाल, मागील 64 वर्षापासून जे आहे इथे बाप्पांचं जे आहे प्राणप्रतिष्ठा केली जाते, काय विशेष आहे 64 वर्षापासून इथे, कसं काय इतिहास आहे 64 वर्षा? नमस्कार, प्रतिवर्षानुसार इस बार भी 1964 से यहाँ पे प्रतिमा की स्थापना हो रही है रेगुलर निरंतर, इसका निरंतरता न टूटते हुए आज भी यहाँ पे आज 64 वर्ष हो गए जो गणपति की स्थापना प्रतिमा की स्थापना हो रही है, जिसके माध्यम से यहाँ पे ये मन्नत के गणपति है, विदर्भ के टॉप 10 में आने वाले गणपति है। यहाँ का वैभव, यहाँ के स्थानीय नागरिक व्यापारी कार्यकर्ता जो मंडल में काम करते हैं अपने नाम और नाम के भाव नहीं रखते, लेकिन भगवान में जो श्रद्धा है, गणेश जी के प्रति जो आस्था है, उसके आधार पर यहाँ पर नियोजित अलग अलग बच्चों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, बल बुद्धि का भी किया जाता है, रंगोली स्पर्धा की जाती है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन किया जाता है और अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से जनसेवा। अभी यहाँ पर हम लोग ब्लड डोनेट का भी कैंप लेते हैं, अभी हम लोग के मंडल के द्वारा शवाई का लेने का ठहराया गया है, अभी शवाई का कुछ दिनों में हम लोग लेने वाले, यहाँ के परिसर में शवाई का नहीं है, लेकिन मंडल के लोगों ने ठहराया कि एक सोशल एक्टिविटी अपने माध्यम से होना चाहिए, तो मंडल के माध्यम से हम लोग अभी अनेक कार्यक्रम का आयोजन करने वाले, जो गरीब बच्चे लोग हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, ऐसे बच्चों को पुस्तक पेन और उनको लगने वाले साहित्य, यानी शिक्षण के लिए लगने वाला साहित्य भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मंडल का वैशिष्ट है कि 64 साल से निरंतर चल रहा है और यहाँ पर लोग स्वेच्छा से अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं, उसी का एक एकमात्र कारण है कि जो हर कार्यकर्ता की अपनी थीम होती है, हर कार्यकर्ता का अपने मन में संकल्पना होती है कि अगले साल गणपति कैसा आएगा, कपून कैसा, उसको कौन से थीम से लेंगे, उसी प्रकार इस बार हमने गणपति की जो स्थापना की है बहुत एक सुंदर नियोजन आयोजन किया गया है। और यहाँ पर आप प्रतिमा देख सकते हैं, हमारे मूर्तिकार राज्य है, यहाँ पे हमारे
आरिफ भाई है वो जिन्होंने मंडप डेकोरेशन का काम किया है। यहाँ पे सर्वधर्म समभाव वो भाव से लेकर के काम किया था। सभी धर्म जाति के लोग इस मंडल में हैं और सभी का सहयोग, सभी की सलाह, सभी का तन मन धन से सहयोग लिया था और लोग स्वेच्छा से करते हैं। मैं सभी मंडल के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल का भी धन्यवाद कि आप हमारे इस मंडल को कवर करने के लिए, आपका भी धन्यवाद। सर क्या बताऊंगे, 64 साल से निरंतर है, लेकिन इस साल का वैशिष्ट क्या है? ये मूर्ति का विशिष्ट है, आप इसका वैभव देख सकते हैं कि जो हमने स्थापना की है, एक अलग ही प्रतिकृति हमने यहाँ पे स्थापित की जिससे लोगों का आकर्षण और मंडप जो डिज़ाइन किया गया है एक अलग ही है। हम लोग को ऐसा लगता है हर बार थीम के माध्यम से अपने क्या करना चाहिए, कौन सा नया आयोजन विजन करना, अनेक अलग अलग तरीके से पिछले बार हमने जगन्नाथपुरी के पैटर्न में किया था, उसी प्रकार अभी अलग पैटर्न से हमने काम किया है। सर आप इस मंडल के माध्यम से समाज सेवा भी कर रहे हो, क्या गरीब बच्चों के लिए यहाँ पर वितरित किया जाएगा जो उनके शालेय सामग्री है या कैसे? ये हम लोग 2 दिन ठहरा थे, हमारे जो साथ में जो सहयोगी लोग हैं उनको बुला करके उनको हम लोग वाटप करते हैं। यहाँ महाप्रसाद भी बड़ा होता है, यहाँ गणपति का आगमन विसर्जन बड़े धूमधाम से होता है। ये जो प्रतिकृति आप देख रहे हैं इंडोनेशिया के जो बाली मंदिर है उसकी प्रतिकृति है, उसको यहाँ पे अच्छे से हमारे मूर्तिकार ने उनको जो बताया गया हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से सुझाव दिया गया, उन्होंने उस प्रतिकृति को उतारने का पूरा प्रयास किया और लगता है कि लोगों को ये मूर्ति भाई है और काफ़ी जगह लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा अपने आरिफ भाई ने बनाया, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। जो हमारे डेकोरेशन वाले हैं, जो लाइटिंग वाले हैं, जो मूर्तिकार है, ऐसे लोगों का हम मंडल द्वारा स्वागत करते हैं और मंडल के कार्यकर्ता का हमारा हमेशा निरंतर सहयोग मिलते रहता है। आपण बघितलं की ही मूर्ती जी आहे ही इंडोनेशियाची जी आहे प्रतिकृती आहे आणि आपण बघतोय की कशा प्रकारे नक्षीकाम केलेल्या गाभाऱ्यात जे आहे मूर्तीची जी आहे प्राण प्रतिष्ठापना करण्यात आलेली आहे आणि नागपुरातील टॉप 10 बाप्पांपैकी एक बाप्पा जे आहे, एक जे गणपतीची मूर्ती आहे ती ही आहे आणि एक विघ्नहर्ता म्हणून या बाप्पांची ओळख आहे, नवसाला पावलेला जो गणपती आहे अशी या बाप्पांची ओळख आहे आणि प्रत्येक वर्षी जे आहे हजारो नागरिक येऊन या मूर्तीचे दर्शन घेतात, या बाप्पाचे दर्शन घेतात, एवढंच नव्हे तर राजकीय नेतेसुद्धा प्रतिष्ठित व्यक्तीसुद्धा येऊन जनप्रतिनिधी येऊन जे आहे बाप्पांचे दर्शन घेतात। अशाच VKB न्यूजच्या बाप्पा मोरया उत्सव या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण नागपुरातील वेगवेगळ्या जे आहे बाप्पांचे दर्शन घेणार आहोत आणि आम्ही तुमच्यापर्यंत जे नागपुरातील टॉप 10 बाप्पा आहे ते पोहोचवण्याचं काम करणार आहोत। तुर्तास आपण बाप्पांना हेच प्रार्थना करू की जे समाजात आत्ता जे सध्या मुलींसोबत आणि समाजात जे सुरू आहे ते कुठेतरी विघ्न बाप्पांनी आमच्यापासून दूर करावं आणि जे रोगराई सुरू आहे, डेंग्यू असू द्या, चिकनगुनिया आहे, जे सुरू आहे त्यापासून जे आहे निरोगी स्वास्थ्य नागरिकांना देऊ हीच प्रार्थना करून आज आपण इथेच थांबूया। बघत रहा VKB न्यूज, नमस्कार।